हेलो गाइस, दिस इज़ अनुज राइडर एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज नया ब्लॉग लेके आया हूँ। मैं अपनी TVS अपाचे RTR 160 में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाने वाला हूँ, और मैं जो एग्जॉस्ट लगवाने वाला हूँ वो हैंडमेड एग्जॉस्ट है। तो आप ये जो एग्जॉस्ट देख रहे हैं, यही एग्जॉस्ट मैं अपनी बाइक में लगवाने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये एग्जॉस्ट मैंने पंजाब से स्पेशली बनवा के बुलवाया, ये हैंडमेड एग्जॉस्ट है। सो गाइस, आप ये जो एग्जॉस्ट देख रहे हैं ये पूरा स्टील का बना हुआ है, ये हैंडमेड एग्जॉस्ट है। अगर आपको भी इसी तरीके का एग्जॉस्ट कोई भी बाइक के लिए चाहिए है, अपाचे, पल्सर या फिर रॉयल इनफील्ड के लिए, तो हैंडमेड एग्जॉस्ट, कस्टम एग्जॉस्ट अवेलेबल हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कि ये कहाँ से आपको बुलवाना है। अब अपने हिसाब से, अपने साउंड के हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और ये पूरा स्टील का एग्जॉस्ट है और आपको रीजनेबल रेट में मिल रहा है। ये मेरा एक फ्रेंड है, उसका शॉप है पंजाब में, कस्टम साइलेंसर ही बनाते हैं वो, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। और अगर आपको अपनी बाइक में एग्जॉस्ट ये लगवाना है, जैसे मैं TVS अपाचे RTR 160 में लगवा रहा हूँ, तो मुझे अपना ओरिजिनल एग्जॉस्ट कटवाना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप चाहें तो अलग से बैंड पाइप बनवा सकते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था इसलिए मैं इसको कटवा के ही लगवा रहा हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करके अपने व्यूज़ बताना। और इस एग्जॉस्ट का साउंड मैं लास्ट में सुनाने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखना। और वीडियो पूरा देखना इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जॉस्ट कैसे लगता है। अगर आपके वहाँ लोकल कोई शॉप है वेल्डिंग की, तो आप उसको ये वीडियो दिखा के अपना एग्जॉस्ट लगवा सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं पूरे एग्जॉस्ट लगाने की प्रोसेस। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस डाली हुई है, बीच में कट कहीं पर भी नहीं किया है, ताकि आप क्लियरली समझ में आ जाए कि ये एग्जॉस्ट किस तरीके से लगवाया है मैंने। सो गाइस, मेरा ओरिजिनल एग्जॉस्ट निकल चुका है। अब मैं इसी की जगह अपना आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जो मैं लेके आया हूँ उसको वेल्ड करवाने वाला हूँ। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास जुगाड़ में बैंड पाइप मिल जाए या फिर पूरा एग्जॉस्ट मिल जाए सेकंड हैंड, तो उसको लेके कटवाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल एग्जॉस्ट काफ़ी महंगा होता है, तो इसको ना कटवाएँ तो ही सही रहेगा।
तो अब मेरा एग्जॉस्ट लग चुका है, चलिए अब मैं इसको आपको साउंड सुनाता हूँ। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। मैं काफ़ी सारे स्टंट रिलेटेड वीडियो, बाइक रिलेटेड वीडियो, ब्लॉगिंग के वीडियो, सब बाइक रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको बाइक मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।